नमस्कार दोस्तों, जंगल के माहिर शिकारियों के खौफ से तो हम सभी वाकिफ हैं। हम सब ने अक्सर ही इन्हें कई बार अपने शिकार की धज्जियां उड़ाते हुए देखा है और इसलिए हर जानवर जंगल में रहते इन शिकारियों से खौफ खाता है। लेकिन सिर्फ जंगल में रहने वाले ही नहीं बल्कि आसमान में उड़ने वाले माहिर शिकारी भी कुछ कम खतरनाक नहीं है। आसमान के खूंखार शिकारी जैसे कि ईगल और वल्चर भी अपने शिकार को एक बार पकड़ लें तो उसको जिंदा नहीं छोड़ते हैं। ऐसे ही कुछ क्लिप्स हम आपके पास लेकर आए हैं जहां जंगल और आसमान के सबसे ज्यादा अनुभवी शिकारियों के बीच हुई घमासान लड़ाइयां। तो फिर आइए शुरू करते हैं आज की ये जबरदस्त वीडियो। लेपर्ड वर्सेस ऑल। उल्लू जो कि बड़ी ही आसानी से किसी भी पक्षी का शिकार कर सकता है, अगर एक लेपर्ड के चंगुल में फंस जाए तो उसके लिए बच पाना काफी मुश्किल हो जाता है। उधर आप देख सकते हैं कि एक लेपर्ड पेड़ पर मौजूद उल्लू पर अपनी नजरें गड़ाए बैठा है। कुछ ही देर में ये लेपर्ड पेड़ पर चढ़ने लगता है और उल्लू को अपने घोंसले से बाहर निकालने में जुट जाता है। कुछ देर तक पेड़ को खदेड़ने के बाद लेपर्ड आखिरकार उल्लू तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है, जिसके बाद वो उल्लू को बड़े ही आराम से मौत के घाट उतार के उसे बड़े ही मजे से खाता है। कभी कभी आप पर ऐसी जगह हमला हो सकता है जब आपको उसकी उम्मीद भी ना हो, ऐसे में तो कोई भी पूरी तरह से घबरा जाएगा। कुछ ऐसा ही हुआ इन मुर्गियों के साथ जब इनके घर के अंदर एक लोमड़ी घुस आई। लोमड़ी को देखते ही सब इधर से उधर भागने लगे और अपने बचने की कोशिश में लग गए, लेकिन लोमड़ी भी इतनी आसानी से किसी को नहीं छोड़ने वाली थी। कुछ देर की मेहनत के बाद उसके हाथ एक मुर्गी लग गई, जिसको उसने अपने दांतों में दबोच लिया और कुछ ही देर में बेचारी मुर्गी दम तोड़ बैठी। अब ये फॉक्स आराम से मुर्गी को अपने घर ले जाकर खाएगा। चीता वर्सेस ऑस्ट्रिच। अगर जंगल में सबसे तेज जानवर की बात की जाए तो उसमें चीता का नाम सबसे टॉप पर आता है। ये शिकारी शिकार का पीछा इतनी तेजी से करते हैं कि वो इनसे भाग ही नहीं पाता और अंत में अपनी मौत का सामना करना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ अगर पक्षियों में कोई तेज जानवर है तो वो है ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच की तेजी के चर्चे हर जगह मशहूर हैं, लेकिन फिर भी ये पक्षी एक चीता से तेज नहीं भाग सकता। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये दो चीता इन दो ऑस्ट्रिच का शिकार करना चाहते हैं। ऑस्ट्रिच बड़े ही मजे से इस मैदान में घूम रहा है और उसको इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि दो चीता उन पर अपनी नजरें टिकाए बैठा है। कुछ ही देर में ये चीता ऑस्ट्रिच के पीछे भागते हैं। ऑस्ट्रिच इनसे दूर भागने की कोशिश करते हैं लेकिन वो धीमे पड़ जाते हैं, जिसके बाद ये दोनों इनमें से एक ऑस्ट्रिच को पकड़कर मार गिराता है और मजे से खाता है। लॉयन अटैक्स हिरॉन। जंगल का राजा शेर भी कभी अपने शिकार को आसानी से नहीं बख्शता और शेर की नजरों में अगर कोई जानवर आ जाए तो उसकी मौत तो पक्की है, फिर चाहे वो अपने आप को बचाने की लाख कोशिश ही क्यों न कर ले। आखिरकार जीत तो शेर की ही होनी है। इस जू में मौजूद शेरनियों ने जब एक हिरॉन को तालाब में देखा तो वो उसका इंतजार करने के लिए तालाब के किनारे बैठ गए। आज शेरनियों ने हिरॉन का शिकार करने की ठान ली है और अब ये वहाँ से बिना इसका स्वाद लिए नहीं जाएंगे। कुछ देर में हिरॉन भी समझ जाता है कि उसकी मौत निश्चित है और इसलिए वो धीरे धीरे तालाब के किनारे आ जाता है। जैसे ही वो तालाब के किनारे पहुँचता है, शेरनियाँ उसकी गर्दन मरोड़ के उसे मौत के घाट उतार देती हैं। इस क्लिप में आप देख सकते हैं कि कुछ भूखे पेलिकन नदी के ऊपर उड़ते हुए अपने खाने के लिए कुछ ढूंढ रहे हैं, लेकिन इन्हें ये बात नहीं पता कि नदी के अंदर एक बेहद जानलेवा शिकारी भी अपनी भूख मिटाना चाहता है। जी हाँ, नदी के अंदर छुप के बैठा है एक मगरमच्छ जो कि इन पेलिकन को अपना खाना बनाना चाहता है। कुछ देर तक सब्र के बाद इनका इंतजार करने के लिए मगरमच्छ एक पेलिकन पर बड़ी ही तेजी से हमला करता है। हमला इतना तेज था कि पेलिकन को अपनी जान बचाने का मौका तक नहीं मिलता और उसके पहले बेचारा कुछ कर पाए मगरमच्छ उसे मार देता है। लॉयन कब वर्सेस हॉग। अगर जंगल का राजा शेर शिकार करने में एकदम माहिर है तो फिर जंगल का राजकुमार यानी कि शेर का बच्चा भी किसी से कम नहीं है। छोटे छोटे बच्चे भी बचपन से ही शिकार करने की फिराक में रहते हैं और शेर की तरह ही अपने शिकार पर टूट पड़ते हैं। उधर मौजूद शेर के बच्चों के एक झुंड ने पास में मौजूद हॉक को देख लिया है और अब ये उसका शिकार करने की फिराक में है। हॉक इनको देखकर इन्हें डराने की कोशिश करता है लेकिन उसकी ये तकनीक काम नहीं करती। इतने सारे शेर के बच्चों को देखकर हॉक समझ जाता है कि उसकी मौत आज पक्की है और कुछ देर तक अपने आप को बचाने की नाकाम
कोशिश करने के बाद वो इनके हाथों मारा जाता है। कैट अटैक्स पिजन। बिल्लियों को पक्षियों का स्वाद बड़ा ही पसंद होता है और इसलिए ये किसी भी पक्षी का शिकार करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती। आज इस बिल्ली को अपने सामने कबूतर का एक झुंड दिखाई दे गया है और अब उनका शिकार करने के लिए उनकी तरफ बढ़ती है। कबूतर इसे अपने पास आता देख तो लेते हैं लेकिन कोई भी इससे दूर भागने की कोशिश नहीं करता और इसलिए इनमें से एक को इसकी भरपाई अपनी जान से करनी पड़ती है। बिल्ली बिजली की रफ्तार से एक कबूतर की तरफ भागती है और देखते ही देखते उसकी जान ले लेती है। इसके बाद वो मजे से अपने पसंदीदा भोजन का आनंद लेती है। कोमोडो ड्रैगन अटैक्स डक। कोमोडो ड्रैगन दिखने में किसी बड़ी छिपकली की तरह लगते हैं और ये अपने शिकार को कभी भी नहीं बख्शते। एक कोमोडो ड्रैगन हमेशा ही भूखा रहता है और इसलिए किसी कमजोर जानवर को देखते ही उसकी तरफ भागता है और उसे अपना भोजन बनाने की पूरी कोशिश करता है। आज इस झील के किनारे एक वाइल्ड डक मंडरा रही थी। इसको इस बात की भनक तक नहीं लगी कि उसकी मौत उसके पीछे ही है। जब तक डक को पता लगता है कि इसके पास एक कोमोडो ड्रैगन मौजूद है तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कोमोडो ड्रैगन एक ही झटके में इस डक को मार देता है और फिर इसे पूरा निगल कर अपना पेट भरता है। लेपर्ड वर्सेस ईगल। लेपर्ड के शिकार करने की क्षमता के बारे में तो आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है। ये जानवर इतने तेज और खतरनाक होते हैं कि सिर्फ कुछ ही सेकंड अपने शिकार को पकड़कर मौत के घाट उतार सकते हैं। इस क्लिप में आप देख सकते हैं कि एक लेपर्ड पास में बैठी एक ईगल पर अपने नजरें गड़ाए बैठा है। ईगल इस बात से बिल्कुल भी वाकिफ नहीं है कि उसकी मौत उसके काफी करीब आ चुकी है और इसलिए वो अपनी जगह से हिलता नहीं है। कुछ देर बाद ईगल एक जगह से दूसरी जगह जाता है जिसकी वजह से लेपर्ड को लगता है कि ईगल ने उसे देख लिया है और वो समय न गवाते उसके ऊपर हमला कर देता है। सिर्फ एक ही झटके में वो ईगल के पास पहुंचकर उसकी जान ले लेता है और बेचारा ईगल अपने आप को बचाने की कोशिश तक नहीं कर पाता। चलिए बात करते हैं पानी में रहने वाले खूंखार शिकारियों की। और अगर पानी में रहने वाले शिकारियों की बात हो तो उनमें सबसे पहला नाम आता है शार्क का। ये मछलियाँ इतनी खतरनाक होती हैं कि सिर्फ एक ही वार में आपकी हड्डियाँ तोड़ सकती हैं। इनके जबड़ों में कमाल की ताकत होती है और इसलिए इनकी पकड़ से कोई बच नहीं पाता। इस समुद्र के किनारे एल्बेट्रोस का एक झुंड मौजूद है जो पानी में जाकर अपना पेट भरना चाहता है, लेकिन इन्हें ये मालूम नहीं है कि पानी में शार्क भी मौजूद है जो कि बड़े ही सब्र के साथ इनका पानी में आने का इंतजार कर रही है। जैसे ही एक एल्बेट्रोस पानी के करीब आता है तो पानी में से ये शार्क निकल कर उसे अपना भोजन बना लेती है, लेकिन फिर भी ये एल्बेट्रोस पानी में जाने से नहीं रुकते क्योंकि अगर इन्होंने अपना खाना नहीं ढूंढा तो ये भूख से मर जाएंगे। एक के बाद एक एल्बेट्रोस पानी में जाते रहते हैं और शार्क का खाना बनते रहते हैं। तो दोस्तों, ये थे जानवरों के द्वारा किए गए पक्षियों के ऊपर कुछ खतरनाक हमले। पक्षी शिकार करने में माहिर जरूर होते हैं लेकिन अगर इनका सामना किसी खूंखार जानवर से पड़ जाए तो ये अपने आप को कमजोर पाते हैं। इसी के साथ हमारी ये वीडियो खत्म होती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन दबाइए और कमेंट में हमें बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।